अजमेर दरगाह से जुड़े खादिम सरवर चुश्ती द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर सूफी इस्लामिक बोर्ड ने उन पर हमला बोला है। बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता काशिश वारसी ने सरवर चुश्ती का नाम लेते हुए कहा कि ऐसी जगह बैठकर महिलाओं पर विवादित बयान देना जो दो समुदाय के बीच दूरियां पैदा करे, ये अच्छा नहीं है। वहां सभी धर्मों से जुड़े लोग आते हैं, उन्हें महिलाओं का अपमान भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। दरअसल अफसोस होता है कि सरवर चुश्ती साहब को चर्चाओं में रहने का शौक है, कभी PFI का समर्थन करके, कभी कोई दूसरा विवादित बयान देकर। अब इस तरह से महिलाओं पर बयान देकर चर्चाओं में आए हैं, उनके ऐसे बयानों पर अफसोस है जो देश के माहौल को खराब करता है। जी कशिश भाई, एक बयान आया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मोहतरम सरवर चिश्ती साहब एक जिम्मेदार पोस्ट पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बैठे हुए हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है जहाँ हिंदू मुस्लिम हर मजहब का, सिख हर मजहब का आदमी आता है और एक आस्था के साथ आता है, और खाली वहाँ से हिंदू मुस्लिम सिख को की भावना नहीं जुड़ी हुई, बल्कि देश के प्रधानमंत्री और जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों के हेड्स हैं वो 90% अपनी चादर आस्था के तौर पर वहाँ भेजते हैं और चढ़ाते हैं, और वहाँ पर बैठ के ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान देना जो दो मजाहिब के बीच दूरियां पैदा करें, अच्छा नहीं है। और देखिए, महिला का अपमान भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। दरअसल मुझे अफसोस होता है कि मुझे तो ये लगता है कि हमारे सरवर चिश्ती साहब को चर्चाओं में रहने का शौक़ है, कभी PFI का समर्थन कर, कभी कोई और कंट्रोवर्शियल बयान देकर, अब इस तरह का बयान देकर उन्हें जो है चर्चाओं में रहने का शौक़ है। मुझे अफसोस होता है ऐसे बयानों के ऊपर जो देश के माहौल को